नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मणि कुमार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा से बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि अगर आपका एडमिशन बिहार कृषि विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में होता है तो आपको कॉलेज के द्वारा क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, इस विषय पर आज इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में सबसे पहला चीज़ कि आपको हॉस्टल दिया जाता है। लड़की के लिए अलग हॉस्टल है और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है। एक हॉस्टल के मतलब एक हॉस्टल में बहुत सारे कमरे हैं, एक कमरे में दो स्टूडेंट को रखा जाता है। दोनों के लिए आपको सरकार के द्वारा बेड भी मिलेगा, कबर्ड भी मिलेगा जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, उसके बाद टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा और बल्ब वगैरह भी, वो सारा चीज़ फैन वगैरह सारा चीज़ आपको हॉस्टल की तरफ से मिलता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि आपको खाना खुद से नहीं बनाना पड़ता, यानी कि मेस की भी सुविधा जो है वो आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल में ही आपको खेलने की भी व्यवस्था है, जैसे कि वॉलीबॉल आप खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि क्लासरूम जो है वो डिजिटल क्लासरूम है, वहाँ पर हर चीज़ आपको प्रोजेक्टर पर आपको दिखा के अच्छे तरीके से डिजिटली आपको समझाया जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टी हैं जो आपको कभी भी क्लास टाइम में या फिर जो कॉलेज टाइम होता है उस टाइम में आपका कभी भी कोई भी डाउट अगर फंस जाता है, जो आपका क्लास में क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप उनसे पर्सनल मिलके उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि कॉलेज भी बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, जिम की भी सुविधा है। उसके बाद बहुत अच्छा ये है, कॉलेज में आपको वाईफाई की सुविधा फ्री मिल जाता है, कैंटीन भी है। और हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा सबसे बड़ी चीज़ यह है, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिहार सरकार के द्वारा हर स्टूडेंट को हर सेमेस्टर में, मतलब आपका एक महीने के हिसाब से, जितने महीने का आपका सेमेस्टर हुआ, लगभग छः महीने का सेमेस्टर होता है, तो हर महीने आपको 2000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जाता है और आपको हर सेमेस्टर में आपको किताब भी दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, स्टूडेंट फाइनेंशियली थोड़ा सा ये हो जाते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि जब आप सेमेस्टर पास करके, सिक्स सेमेस्टर पास करके जब आप सेवेंथ सेमेस्टर में जाते हैं, उसके टाइम क्या होता है कि आपको कॉलेज के द्वारा पूरे भारत घूमने का मौका दिया जाता है। वहाँ पर ऑल इंडिया एजुकेशनल टूर के नाम से जाना जाता है उस टूर को, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप पूरे जितना स्टूडेंट होता है होल बैच के साथ आप ऑल इंडिया टूर घूम सकते हैं। लगभग एक स्टूडेंट को हम लोगों का इस बार आया है लगभग 39,000, मतलब 40,000 के आसपास एक स्टूडेंट पे 40,000 रुपये खर्च किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद हम बता दें, जब हम लोग का सेवेंथ में ही या फिर कुछ स्टूडेंट का एट्थ में होता है सेमेस्टर में, रावे का प्रोग्राम होता है, तो रावी प्रोग्राम में आपका जो स्कॉलरशिप कॉलेज वाला 2000 मिल रहा है तो वो तो ही मिलता है, उसके अलावा आपको ICAR के द्वारा 3000 रुपये हर महीने, मतलब 100 रुपये पर डेली के हिसाब से आपको वो भी दिया जाता है। उस टाइम रावी के दौरान आपको लगभग हर महीने 5000 के आसपास रुपये स्कॉलरशिप के तौर पर आपको ये मिल जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अच्छा रैंक लेके आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉलेज, चाहे बिहार कृषि विश्वविद्यालय का कोई भी कॉलेज हो, ठीक है। बहुत कम फीस में आप BSc एग्रीकल्चर का डिग्री ले सकते हैं। लगभग फीस की हम बात करें तो एडमिशन टाइम में जनरल कैटेगरी का 10,000 है और जो रिजर्वेड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 8,000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें, हर सेमेस्टर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग 2900 यानी कि 3000 के आसपास लगता है, जो रिजर्वेड कैटेगरी है उनको 1500 के आसपास हर सेमेस्टर में लगता है, मतलब एक साल में आपको 3000 रुपये में काम हो गया, तो बहुत कम फीस में है। आपको तैयारी करनी चाहिए और यहाँ पे आप जरूर आइए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग उड़ान विद प्रीतमणि यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।